नमस्कार, आप देख रहे हैं असम नॉर्थ ईस्ट न्यूज लाइव और आपके साथ मैं हूं संतोष यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है असम के करीमगंज बदरपुर रेलवे जंक्शन से। जीआरपीएफ ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों लोग गांजा तस्करी से जुड़े हैं। लोगों के पास से जीआरपीएफ ने 22 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद की है। जीआरपीएफ को गुप्त सूचना मिलने के बाद से जीआरपीएफ की तरफ से लगातार ट्रेनों को चेक किया जा रहा था, जिसमें त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस से जीआरपीएफ ने 22 किलो 200 ग्राम गांजा समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों लोग बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। काफ़ी दिनों से जो है गांजा तस्करी के साथ जुड़े रहने की खबर जीआरपीएफ को मिली थी, जिसके बाद आज त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस से जीआरपीएफ ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों के पास से 22 किलो 200 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। एक महिला और एक पुरुष को जीआरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से 22 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं असम नॉर्थ ईस्ट न्यूज लाइव पर। असम के करीमगंज बदरपुर रेलवे जंक्शन से 2 लोगों को सीआरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। जीआरपीएफ ने 2 लोगों के साथ 22 किलो 200 ग्राम गांजा भी जब्त किया है। ये लोग दोनों लोग बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं असम नॉर्थ ईस्ट न्यूज लाइव पर। 2 लोगों को जीआरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस के जरिए ये लोग बिहार के खगड़िया जिले में ले जा रहे थे गांजा, जिसको करीमगंज के बदरपुर जीआरपीएफ की तरफ से चेकिंग के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। काफ़ी दिनों से इसकी सूचना मिल रही थी जीआरपीएफ को, लेकिन जीआरपीएफ ने आज त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस के ट्रेन से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 22 किलो 200 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया है। दोनों लोगों को गिरफ्तार कर जीआरपीएफ की तरफ से पूछताछ की जा रही है। दोनों लोग बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे असम नॉर्थ ईस्ट न्यूज लाइव पर। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। महिला का नाम प्रेम लता देवी, तो दूसरे जो है पुरुष है उसका नाम मोहम्मद ताजीम बताया जा रहा है। ये दोनों लोग काफ़ी दिनों से गांजा तस्करी से जुड़े हुए थे और ये लोग गांजा तस्करी कर बिहार के खगड़िया जिला ले जा रहे थे, और इसी दौरान त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस से जीआरपीएफ ने दोनों को गिरफ्तार किया है। 22 किलो 200 ग्राम गांजा समेत दोनों लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। करीमगंज के बदरपुर रेलवे जंक्शन से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जीआरपीएफ ने, और जीआरपीएफ ने इन दोनों के पास से 22 किलो 200 ग्राम गांजा भी जब्त किया है।